ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम कल हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट में तीन चीजें होंगी गैप अप होगा गैप डाउन या साइड के केस में गैप अप के केस में साइड वेस्ट टू तो बेरिश मार्केट जा सकता है एंड देन सेकंड हाफ में अपना ट्रेंड डिसाइड हो सकता है लेकिन हमने निफ्टी बाय करी थी सेवनटीन थाउजेंड फोर सिक्सटी पे ठीक है और अराउंड फाइव फोर्टी के आसपास हम निकले थे इस पर ठीक ऐसा क्यों का आप कहोगे ऐसा दोगलापन क्यों किया मतलब ये चीज़ थी ये क्या सिंपली आपका मैंने आपको बताया जब भी आरवी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है नौ छब्बीस भी हम लोगों ने समवे अराउंड पाँच सौ चालीस स्पॉट की बात कर रहा हूँ फोर सिक्सटी के आसपास हम लोगों ने बाय किया था ठीक है बैंक निफ्टी अच्छा ये चीज़ मैंने लाइव मार्केट उसमें डाल दी लाइव ट्रेडिंग का जो मैंने रिकॉर्ड किया था जो लोगों के साथ करा था उसमें मैंने डाल दिया था कि बैंक निफ्टी हमने क्यों नहीं करा है वो आज कृषि में जा देख लेना ठीक है अभी चलते हैं हम लोग इस पर एनालिसिस पे कि आगे क्या हो सकता है ठीक हुआ क्या मार्केट का क्लोजिंग प्राइस एक ऑटोमेटिकली सपोर्ट का काम करता है कितना था वो सेवनटीन थाउजेंड समवेयर अराउंड फोर फोर्टी के आसपास आपको अगर याद होगा तो फोर फोर्टी हमारी एक रेजिस्टेंस हुआ करती थी ठीक है वो फोर फोर्टी अब उसने सपोर्ट बना ली ठीक अब याद रखना कल ट्रेड मॉर्निंग में थोड़ा सा अवॉइड या मॉर्निंग में करके दस बजे खाली कर देना उसके बाद फ्रेश देखेंगे कि कल है उसका पॉलिसी का ठीक है क्या आउटकम है क्या नहीं वो कल पता चलेगा और कल के लिए फिर आपका अगेन डेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर रिवर्सल भी खेलना होगा तो कल रिवर्सल भी फिर खेल सकते हैं ठीक है आप पहले वनडे का चार्ट देखो ठीक उसके बाद हम लोग इसका एक्सपायरी पर ट्रेडिंग किस तरीके से होगी वो देखेंगे ठीक यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम चीज़ हम लोग कई दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं इस दिन के बाद से कि अब हम लोग बाइंग की साइड पे आपको ज्यादा क्वांटिटी पे जाना है सेल की साइड पे आपको कम क्वांटिटी पे जाना है हम लोग को डिस्कस है अब एक दफा मार्केट का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सबसे आता है वो आता है सेवनटीन थाउजेंड एट यहाँ पर आके फॉर श्योर मार्केट में एक दफ़ा प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर आएगी ठीक है वहाँ आती नहीं आती वो लेट्स से बात की बात है अभी फिलहाल हम लोग क्या देखते हैं कल हम लोगों ने देखा था 525 के आसपास आती है तो हम लोग नेगेटिव एक्शन पे शॉर्ट की तरफ सोचेंगे लेकिन कम क्वांटिटी में हालांकि कोई एक्शन नेगेटिव आपको दिखा नहीं एक जगह दिखा था बट वो नहीं था यही काम आता है आपको जो आर शीट थी हमारी उस पर क्या काम आता है हमें अगर शॉर्ट करना था तो हम बैंक निफ्टी पे जाते हैं बाय करना था तो हम निफ्टी को जाएंगे ऐसा करके ठीक है आपको व्यू क्लियर हो जाता है अभी इसमें आप देखोगे तो मार्केट कहाँ पे लास्ट में इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया था समेर अराउंड इस लेवल पे क्या लेवल आ रहा है सेवनटीन ठीक अभी आपका एक हर्डल का काम करेगा अगर दस बजे तक ध्यान से सुनना अगर दस बजे तक मार्केट ये ब्रिज नहीं कर पाती है और फिर उसके बाद पॉलिसी अगर कुछ इफ आती है तो यहाँ के नेगेटिव एक्शन पे हम लोग पच्चीस तीस पॉइंट के एस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं एक चीज फिर अगेन शॉर्ट हम लोग कम क्वांटिटी में जाएंगे जब तक कि कोई एक ब्रेकडाउन या नेगेटिव ने एक्शन नहीं ने दिख जाएगा यहाँ पे एक, एक एक्शन के साथ मार्केट ने रिवर्सल दिखाया है करेक्ट इसीलिए वो चीज़ हम लोग कह रहे हैं जो बाइंग वाली की बाइंग हम लोग ज़्यादा में करते हैं सेलिंग हम लोग कम में करते हैं ठीक अब आते हैं हम लोग इसका कि सेकेंड हाफ में ठीक है सेकेंड हाफ में अपने को ट्रेड मिले या ना मिले उसका देखते हैं कि कहाँ पर मिले तो बेहतर है सबसे पहली नंबर की आपकी सपोर्ट आती है जहाँ से आपका ब्रेकआउट आया जैसे इस केस में आपका सपोर्ट ये आ गई थी ना अभी अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से नीचे आया देन ऊपर देन नीचे इस तरीके से अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करोगे तो आपको जब भी वो ट्रेंड लाइन ब्रीच करेगी ठीक है यही चीज़ मैंने आज लाइव मार्केट में भी चीज़ सिखाई थी दो तरीके होते हैं ब्रीच करने के एक सीधे सीधे ब्रीच कर देगी एक दूसरा तरीका क्या होता है ट्रेंड लाइन इस तरीके से प्राइस इस तरीके से डबल टॉप के साथ आपका ब्रीच करे डबल टॉप के साथ ब्रीच करेगा तो आप शॉर्ट मार दो अगर सिंगल टॉप के साथ आपको ब्रीच करता है तो फिर रीटेस्ट का वेट करो यहाँ पे कोई एक रिजेक्शन मिलता है तब तो आप शॉर्ट करो ठीक है इस तरीके से तो ये ट्रेंड लाइन अपनी है, आगे तक चली बना लेना आगे तक चली जाएगी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल क्या कि, आ रहा है अगर किसी भी कारण हमने शॉर्ट गया तो सेवनटीन के आसपास मतलब 440 से 488 आपका सपोर्ट एरिया है या तो यहाँ पे आएगी तो बाइंग साइड देखेंगे पॉजिटिव एक्शन में अगर यहाँ पे नहीं आती है और ऊपर जाती है हमेशा याद रखना इतने रनअप के ट्रेंड में आपके एक्सएल कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो उस केस में आप डेटा पे या तो रिलाय करना नहीं तो कम क्वांटिटी में बाय करना ठीक इसकी ऑप्शन जिन पर चलते हैं तो इसकी एक रेंज निकल आएगी एक्सपायरी पे क्या रेंज आ रही है ये अपनी निफ्टी है ठीक है निफ्टी में अगर आप देखोगे कॉल राइटर्स आपके बैठे हैं ऐसा नहीं कि कॉल राइटर्स नहीं थर्टी थ्री लैख नाइनटीन लैख ट्वेंटी टू लैख ट्वेंटी सेवन लैख ठीक नीचे आपके पुट राइटर्स सेवनटीन थाउजेंड फाइव ठीक है फोर एट्टी यानी हमारा जो लेवल आ रहा था वो ठीक आ रहा था फोर एट्टी के आसपास अगर कोई एक्शन मिलता है बाइंग की साइड तो हम जाएंगे बिकॉज यहाँ पर वन करोड़ थर्टी सिक्स लैक पुट राइटर्स बैठे हैं सिर्फ एक ही चीज़ ह्यूज गैप डाउन ही ऐसे मार्केट में आपको ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करता है वरना अभी ट्रेंड में आपका ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है लेकिन जनरली बायोन डिप्स की मार्केट रहती है ठीक है अगर आप पुट राइटर्स देखोगे तो पुट राइटर्स का क्वांटम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसमें ये ये पी सी आर आपका ओवरशोल्ड है अगर ये एक्सपायरी नहीं होती तो मैं आपसे कहता कॉशियसली बाय करो मॉर्निंग में भी अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम पर मैसेज क्या किया था कि कॉशियसली करना कि खुलते ही बाय मत कूद जाना ठीक वैसा करके वरना मार्केट नीचे आएगी असल काट जाएगी खुलते नाइन फिफ्टी पे अगर कर करोगे तो ठीक बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो अच्छा दूसरा एक चीज़ है जब हम लोग सेफ ट्रेडिंग कर सकते हैं नाइन थर्टी अपने को ट्रेड्स मिलते हैं हमारे सेटअप के हिसाब से तो हम अननेसेसरी का रिस्क क्यों लें ठीक है ना उसमें भी आपको अच्छे पॉइंट्स मिले थे नाइन थर्टी में भी आपको मिल जाते हैं एक दो दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपके नौ पंद्रह से मार्केट ट्रेंडिंग हो जाती है वो कम होते हैं तो आप थोड़ा सा ऊपर पर बाय कर लोगे थोड़ा सा नीचे भी सेल कर दोगे लेकिन सेफ्टी तो रहेगी ना सुबह नाइन फिफ्टीन पर आपकी सेफ्टी मतलब इट्स लाइक अ मोर लाइक गैम्लिंग की तरह हो जाता है ना वॉलीटिट इतनी ज़्यादा होती है ऊपर नीचे के एसल कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा आते हैं हो सकता है टारगेट हिट हो जाए लेकिन ऐसे हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ठीक और हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि हम प्रॉफिट तो जल्दी बांध के निकल जाते हैं और लॉसेज को देखते रहते हैं है ना तो वो गलती नहीं करनी यहाँ अगर आप देखोगे तो 41,000 पे आपकी 130 और 140 यानी रेंज कितनी आ रही है आपकी 41,300 और 40,700 थाउजेंड तो निफ्टी की रेंज निकालना तो रह गई ये आपकी बैंक निफ्टी की रेंज है ठीक है निफ्टी की आपकी रेंज आ रही है 480, 470 नीचे की आ रही है ऊपर की है आपकी 640 के आसपास की ठीक है रेंज है आपकी तो अगर जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं इस जगह पे अगर कोई पॉजिटिव एक्शन मिले तो बाय करना इस जगह पे कोई नेगेटिव एक्शन मिले तो सेल कर देना ठीक 640 के ऊपर याद रखना अगर मार्केट निकल के सस्टेन करता है तो आप अपनी शॉर्टिंग नहीं करना मतलब 640 फोर्टी पे अगर नेगेटिव एक्शन बनता है तो कैसे बनता है यहां से मार्केट किस इस तरीके से नीचे आएगी तब तक आपको मिल जाएगी 620 हंड्रेड ट्वेंटी लेट्स से सिक्स हंड्रेड फिफ्टीन लेट्स से ठीक है तो आपको एस मिल गया ना एस ये हो गया इसके हिसाब से आपने शॉर्ट कर दिया बड़ा टारगेट हम लोग रखते रहें शॉर्ट टाइम में सेम चीज 470 सेवेंटी पर डायरेक्टली जाते टच नहीं करते हैं फोर से बनने में भी उसको एक्शन में भी तीस चालीस पॉइंट लगते हैं तीस चालीस पॉइंट को आपको ऐसे मिल जाएगा हम अभी बाई कर सकते हो करेक्ट तो ये इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो आ, सेफ ट्रेडिंग होती है जो रेंज ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं 470 के नीचे आपको 470 की जगह बल्कि 440 कर लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है इसके नीचे अगर मार्केट किसी भी कारणवश निकलता है लॉन्ग से एग्जिट कर देना स्विंग ट्रेडिंग भी लॉन्ग कर रहे हो तो भी एग्जिट कर देना ठीक और इसके ऊपर अपने को शॉर्ट्स कवर कर देना सेम चीज हम लोगों ने बैंक निफ्टी की जो रेंज बनाई छह पॉइंट की वो है एक बार बैंक निफ्टी का हम लोग चार्ट भी देख लेते हैं तो उस पर और आइडिया लग जाएगा बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे साइडवेज थे मार्केट यही चीज़ हमारी शीट भी बता रही थी करेक्ट कि मार्केट में साइडवेज है शॉर्ट की साइड अगर हमको जाना था तो हम बैंक निफ्टी में जाते हम लोगों ने ये एक रेंज मार्क कर रखी थी ठीक है मार्केट यहाँ तक साइडवेज ही रहा ठीक यहाँ पे आपके दो दफा छोटे टाइम फ्रेम पे फॉल्स डाउन थे लेकिन मार्केट आपका साइडवेज ही था ओवरऑल ठीक पे किसी का नेगेटिव पे आपको हिट हो सकता था अगर अगर आपने मतलब यहाँ पे अगर तो पे शॉर्ट किया होगा तो छोटे टाइम फ्रेम खैर हमने बैंक निफ्टी में स्टेडी नहीं किया था अगर मैं बात करता हूं आप ऊपर देखो ब्रेकआउट आया ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ा सा इसमें मार्केट में कायदा क्या कहता है प्राइस एक्शन मैं आपको एक काम और करूंगा प्राइस एक्शन के शॉर्ट बेस वीडियोज़ जो होते हैं ना तकरीबन सात आठ वीडियोज उस वीडियो आपको पब्लिश कर दूंगा छोटी छोटी एक एक मिनट के जिसमें आप प्राइस एक्शन की कुछ टिप्स देखोगे अभी फिलहाल यहाँ पे वापस आते हैं यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ऊपर गया रिटर्स इसने थोड़ा नीचे कर दिया मतलब यहाँ की जगह पर अगर ये यहाँ से रिटर्स कर दो तो बहुत बढ़िया बाइंग आती है दोबारा से ऊपर जाने को मिलता अभी क्या है मार्केट में कोई इनडिसिव है इनडिसिव क्यों है क्योंकि मार्केट एक रेंज में आपका फंसा हुआ है ठीक ऑब्वियसली थोड़ा सा मूवमेंट आपको बुलिश साइड ही दिख रहा होगा ठीक जब वापस से लेवल क्रॉस करना चालू करेगा कौन सा 41,100 के आसपास तो अपने को अगेन 200-300 पॉइंट का मूव मिल जाएगा 70-80 पॉइंट का असर रखते हैं ठीक सेल की साइड अगर हम सोचना है तो हमें ऊपर के लेवल अभी भी वनडे का चार्ट लगा दूँ तो बताता दूँ नीचे के लेवल पर हम लोग कौन सा लेवल आ रहा है फोर्टी ठीक है या तो यहाँ शॉर्ट करेंगे या हायर लेवल पर करेंगे हायर लेवल कौन सा आ रहा है कल थोड़ा मार्केट दस बजे तक चौप ही रहेगा क्योंकि आपका पॉलिसी वाला है उसके बाद फिर डायरेक्शन लेगा ठीक है ना हाई लेवल कहाँ है गैप आपका कहां तक है ये फोर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड टू फिफ्टी मतलब टू हंड्रेड टू फिफ्टी आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहां पे कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है शॉर्ट करेंगे नीचे एट फिफ्टी के नीचे कर सकते हैं शॉर्टिंग साइड कम ही क्वांटिटी में जाएंगे अगर सेफ ट्रेडर हो छोड़ दो एक दो दिन छूट जाएगा शॉर्टिंग का ट्रेड ठीक है नीचे आपकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कौन सा आ रहा है यहाँ पे इसका हाई और इसका ओपन प्राइस सेम है कितना लेवल आ रहा है फोर्टी थाउजेंड सेवन फिफ्टी से एट हंड्रेड के बीच में वही हमारा जो था उसके नीचे जाएगा तब हम लोग ब्रेक डाउन के बारे में सोचेंगे ठीक तो ये आपकी मोटी मोटी एक रेंज बन गई अब होगा क्या एक्सपायरी जनरली किस तरीके से सजेस्ट हो रही है मेरे हिसाब से मार्केट में एक रेंज में एक्सपायरी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा ऊपर रहनी चाहिए क्योंकि एक मार्केट में एक रनअप दिखाया है बुल रन में इस तरीके से जब आता है ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बाइंग साइड का भी शेक हो जाता है रीजन क्या है मार्केट आपका लगातार किसी भी दिन एक रिवर्सल आया प्रॉफिट बुक गई मार्केट उस दिन इंटरडे में एसल खा जाती है उसके लिए क्या करते हैं हम लोग डेटा की मदद लेते हैं जिस दिन हमको डेटा लगता है आप उसको तो कर देते हैं ठीक है तो ये पूरी आपकी एनालिसिस है आई होप आपको समझ में आया होगा आज के लिए इतना ही सी यू नेक्स्ट सेजन टिल देन बाय बाय